से स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली अगर एरे देखें, ठीक है, जावा का एक चैप्टर है 10th में। एरे का यूज क्या है, आप जो बेसिक रिक्वायरमेंट देखते हो क्या है एरे की, जैसे हम कोई नॉर्मल वेरिएबल वेरिएबल बनाते हैं इंट ए इज इक्वल टू 10, ये हमारा नॉर्मल है। अगर हम इसका प्रोसेस देखें तो पहले हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल इंट ए, और उसके बाद उस वेरिएबल में हम एक वैल्यू दे देते हैं 10। अब इसके बाद अगर इस ए को हम प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे लिखते हैं SOPLNA तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 10 आएगा। अब इसके बाद ही हम लिख देते हैं A इज इक्वल टू 20, तो अब इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, सपोज इसके बाद हम लिख देते हैं A इज इक्वल टू 15, और अब जब हम इसमें लिखेंगे आउटपुट तो आउटपुट आएगा A का 15। इट मीन कि ये कोई भी मैटर कुछ मैटर नहीं करता है कि किसी वेरिएबल में पहले कौन सी वैल्यू थी, अगर उसके अंदर पहले गार्बेज वैल्यू भी रहेगी और हम उसमें कोई 10, 20 या 15 इनिशियलाइज कर देंगे तो वो गार्बेज वैल्यू क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। यानी कि एक वेरिएबल अभी तक के प्रोग्राम के हिसाब से क्या था कि एक वेरिएबल सिर्फ एक ही वैल्यू एक बार में इनिशियलाइज करेगा, अगर हम दूसरा वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे तो वो पहली वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, या हम कह सकते हैं उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, एरे की हेल्प से क्या हो जाता है कि हम एक ही वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं, 5, 15, 25, 50, 100, 200 भी, जितनी वैल्यूज हम चाहें। बस कंडीशन क्या रहनी चाहिए कि अगर हम A के अंदर वो 20 वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं तो वो सारी वैल्यूज एक ही डेटा टाइप की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम A के अंदर 10 रख लिए फिर अपना नाम भी इनिशियलाइज कर लिए, वो नहीं पॉसिबल है। हम अगर 10 रखते हैं इंटीजर टाइप पर रखते हैं तो सिर्फ इंटीजर टाइप की 10 वैल्यूज रहेंगी, 20, 25 जितने भी वैल्यू रखनी है। अगर हम डेसिमल में रखते हैं फ्लोट में तो वो फ्लोट के ही टाइप की सारी वैल्यूज रहेंगी, स्ट्रिंग में है तो स्ट्रिंग, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर। ठीक है, और यानी कि एरे का जो बेसिकली यूज है वो क्या है कि मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल, ये एरे का यूटिलाइजेशन है। ठीक है, और यही रिक्वायरमेंट भी है इसको यूज करने का, वरना और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पे क्या होता है, जब एक वेरिएबल बहुत सारी वैल्यू जब रख लेते हैं तो अगर हमको 10 वैल्यू रखनी है तो हमको 10 वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, इससे क्या हुआ A के अंदर ही सारा 10 रख लेंगे तो कम वेरिएबल क्रिएट करना पड़ा, कम मेमोरी यूज हुआ हमारे प्रोग्राम का। ठीक है, तो वो बेटर रहता है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एरे बेसिकली हमारा दो टाइप का होता है, सिंगल डायमेंशनल एरे और डबल डायमेंशनल एरे। डबल डायमेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है पढ़ने की, सिर्फ हम सिंगल डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो एरे ये तो हो गया हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट, इसकी बेसिक नीड कि हम एरे को क्यों यूज करते हैं और क्या इसके फायदे होते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि यूज करते कैसे हैं। एक नॉर्मल इनिशियलाइजेशन हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन और ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन नॉर्मल इंटीजर वैल्यू का। लेकिन अगर हमको यही एरे टाइप में करना हो तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे वैल्यूज को, कैसे इनिशियलाइज करने के लिए कैसे डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को, तो इसके डिक्लेरेशन का जो प्रोसेस होता है, डिक्लेरेशन ऑफ एरे वेरिएबल, हम इसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, यानी कि ये काम। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं, किस डेटा टाइप में हमको एरे क्रिएट करना है, एरे वेरिएबल क्रिएट करना है, वो हो गया हमारा इंट। इसके बाद उस एरे का नाम क्या रखना है, मान लो हमने नाम रख लिया ए। इसके बाद एक एडिशनल कीवर्ड क्या लगाता है, स्क्वायर ब्रैकेट, यहां पर हम लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके बाद इज इक्वल टू न्यू अगेन डेटा टाइप इन एंड इन स्क्वायर ब्रैकेट नंबर ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू की स्टोर करने की बात कर रहे हैं तो हमें यह भी डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कितने, मतलब ज्यादा तो कितने करने चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि इनफाइनाइट करते जाएंगे भाई, या तो 10 चाहोगे या 20 चाहोगे या 50 चाहोगे या 5। तो ये पहले बताना पड़ेगा कि हाउ मेनी वैल्यूज यू वांट टू इनिशियलाइज इन अ पर्टिकुलर एरे वेरिएबल। इफ यू वांट टू इनिशियलाइज 10 एलिमेंट्स सो यू विल राइट 10 हियर इन स्क्वायर, इन हियर स्क्वायर ब्रैकेट यू विल डिफाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट। इस स्क्वायर ब्रैकेट में हम वो नंबर लिखेंगे जितने एलिमेंट हमको एक वेरिएबल में चाहिए रहेगा स्टोर करना। ठीक है, जैसे ही हम लिखते हैं इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट 10, या सपोज करो हमको इंट के बाद फ्लोट में लेना है वैल्यू डेसिमल में, तो हम यहीं पे लिख देंगे फ्लोट एफ स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू फ्लोट 10। ठीक है, मतलब ये यहां पे क्या होगा, ए वेरिएबल में सारे इंटीजर नंबर स्टोर होंगे, यहां पे क्या होगा एफ वेरिएबल में सारे फ्लोट डेसिमल के वैल्यू स्टोर होंगे।
अगर हम कैरेक्टर टाइप चाहते हैं लाइक एक सिंगल सिंगल कोट्स में, तो कैर सी एच स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू कैर 10. अगर हम 25-50 चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं. सपोज बोले स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग एस टी स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 10. अब यहां क्या हो गया कि एस टी एक वेरिएबल हो गया जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है और इसके अंदर हम कोई भी 10 वर्ड स्टोर कर सकते हैं. यहां कोई दिक्कत है नहीं. इसके बाद देखो, हम जैसे ही प्रोग्राम में ये कॉन्सेप्ट लाते हैं, ये स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे ही मैंने लिखा इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट 10, तुरंत प्रोग्राम ने क्या किया, एक ए वेरिएबल क्रिएट किया और इस वेरिएबल के अंदर 10 एलिमेंट स्टोर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एलिमेंट स्टोर करने के लिए 10 डब्बे बना दिए. इट इज जस्ट लाइक अ ट्रेन, कि ट्रेन की ये सारी क्या है, बोगीज है, उसके कंपार्टमेंट जो भी कहा जाता है, उसके सारे डिब्बे हैं जिसमें अपने पर्टिकुलर डिब्बे में लोग जा करके बैठेंगे. तो ट्रेन एक है लेकिन वो कैरी क्या कर रही है, मल्टीपल ब्लॉक्स कैरी कर रही है, मल्टीपल डब्बे कैरी कर रही है. तो द सेम थिंग हैपनिंग हियर, ए इज अ टाइप ऑफ ट्रेन व्हिच आर कैरिंग मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ये इन सभी एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है. नेक्स्ट थिंग कि अगर हमने इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर दी, कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, बट अगर कर दी तो उनकी एक्सेसिंग कैसे होगी, क्योंकि बिना एक्सेस किए हम इन एलिमेंट्स एरे के एलिमेंट वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर भी नहीं कर पाएंगे. स्टोर करना हो, प्रिंट करना हो, कुछ भी काम करना हो तो हमको पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा. जैसे हम यहां पे ए की वैल्यू 10 है, इसको 20 करना है तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 लिख देंगे. 20 को 50 करना तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 30 कर देंगे. ठीक है, तो यहां पे हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, सिर्फ ए करेंगे तो कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट हो रहा है कौन सा नहीं. इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंडेक्सिंग. इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसका मतलब यह है कि अगर हमने 10 एलिमेंट क्रिएट किए हैं, मतलब 10 वैल्यू हमको स्टोर करनी है, तो उस कंडीशन में हम 0 से लेके 9 तक की इंडेक्सिंग रखेंगे. अब यहां से तो ध्यान दो कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 10 है. अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ भी हमारे पास क्या है, 10 है. लेकिन अगर हम इसकी इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो इंडेक्सिंग 0 से 9 तक है. समझ रहे, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है माइनस 1 लास्ट इंडेक्सिंग होती है. ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू स्टोर करना है, मान लो तुमने कर दिया, तुमको अगर वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, तो अब कैसे करोगे, ए ऑफ 0 इज इक्वल टू 10. ऐसा लिखते ही यहां पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा. इसके बाद निकालते ए ऑफ 1 इज इक्वल टू 20, तो यहां क्या आ गया, 20 आ गया. ए ऑफ 2 इज इक्वल टू 30, तो यहां पे 30, और ऐसे करते करते यहां 40 रखा, 50 रखा, 60 रखा, 70 रखा, 80, 90 एंड 100. बट क्या पॉसिबल है कि हम इस मैनर से अपनी वैल्यूज को स्टोर करें, ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं, ये गलत नहीं है. तुम ऐसे क्रिएट करने के बाद 10 एलिमेंट है, 10 वैल्यू ऐसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ऐसे इनिशियलाइजेशन करना बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. तो देखो आप इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, नीड्स पढ़ लिया एरे की, एरे वेरिएबल क्रिएट करना पड़ लिया. अब अगर हमारे पास सारे वाले एरे की फिर से लिख लेते हैं, इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट, और इस बार एलिमेंट छोटा लेते हैं ताकि हमें बार बार बनाने में प्रॉब्लम ना. ये इंट के लिए हो गया, फ्लोट के लिए अगर चाहिए तो फ्लोट एफ स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू फ्लोट 5, और भी ऐसे हम बाकी बना लेंगे. अगर हम इनके लाइक इन वैल्यू को स्टोर करने के बारे में देखें तो हमारे पास जो टाइप्स है वो पहला है क्या, असाइनमेंट स्टेटमेंट. ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या होता है, असाइनमेंट. और ये एक नंबर या दो नंबर के क्वेश्चन में लिटरली दे सकता है, असाइनमेंट स्टेटमेंट से वैल्यू को स्टोर कर देगा और तुम्हें उसके बाद अपनी वैल्यूज को फाइंड करना रहेगा, क्योंकि एमसीक्यू भी आना है एग्जाम में. तो देखो हम असाइनमेंट स्टेटमेंट में क्या करते हैं, अगर मान लो इस इंटीजर में वैल्यू स्टोर करना है,
तो हम लिखेंगे इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट विल राइट 10, 20, 30, 40, 50। जब हम असाइनमेंट स्टेटमेंट करते हैं तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पे डिफाइन नहीं करते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट हम बस वैल्यूज लिखते जाएंगे और वो जब हम उसको कर्ली ब्रैकेट और सेमीकोलन लगा के एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम समझ जाएगा कि जितने कॉमा की करके वैल्यूज लिखे हुए हैं उतने एलिमेंट इसको चाहिए। असाइनमेंट स्टेटमेंट में इनिशियलाइजेशन भी ऐसे ही होता है और डिक्लेरेशन भी ऐसे होता है और इनिशियलाइजेशन भी ऐसे होता है। असाइनमेंट स्टेटमेंट हम नॉर्मली भी तो ऐसे ही करते थे, इंट ए इज इक्वल टू 10 जब हम पहले प्रोग्राम करते थे। तो यहां पे असाइनमेंट एरे टाइप का है तो इसका इनिशियलाइजेशन ऐसे होगा। फ्लोट की अगर बात करें तो फ्लोट एफ स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 10.5, 20.5, 30.5, 40.5 and 50.5। ये हमारा क्या हो गया, फ्लोट की वैल्यू को इनिशियलाइज करना। ऐसे हम कैर को भी कर लेंगे, ठीक है। कैर सी स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू इन सिंगल कोट्स ए इन सिंगल कोट्स बी इन सिंगल कोट्स सी इन सिंगल कोट्स डी एंड इन सिंगल कोट्स ई, ठीक है। इसके बाद स्ट्रिंग को भी अगर देख लें तो स्ट्रिंग एस टी स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, पहले हमने नाम लिख दिया अमन, क्लोज, इसके बाद हमने लिख दिया नमन, इसके बाद हमने लिख दिया ओम, इसके बाद हमने लिख दिया श्याम। 1, 2, 3, 4 एक वैल्यू और हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहां हमने क्या लिख दिया, अमन नमन श्याम ओम श्री, जो भी नाम किसी का भी, ठीक है। इस तरीके से हम स्ट्रिंग की इनिशियलाइजेशन करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट कितने हैं, 5, लेकिन जैसे इंडेक्सिंग पे बात आएगी तो 0 to 4 हो जाएगा और ये वैल्यूज भी इसी फॉर्मेट में स्टोर होंगे। अगर अमन नमन इस नेम को भी देखोगे तो ये पहला एलिमेंट अमन को स्टोर किया है, दूसरा नमन को किया है, तीसरा ओम को, चौथा श्याम को और पांचवा श्री को, ठीक है। और इनकी इंडेक्सिंग भी 0, 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से हो रही है, ठीक है। वेरिएबल है हमारा एसटी। अब अगर हमको नमन को एक्सेस करना है तो एसटी ऑफ 1 कर लेंगे, श्याम को एक्सेस करना है तो एसटी ऑफ 3 कर लेंगे। सपोज करो ये वैल्यू क्रिएट करने के बाद हमें ये लग रहा है कि ओम की जगह पे कोई और नाम रहना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे एसटी ऑफ ओम, किस पे 2 पे है ना, 2 इज इक्वल टू इन डबल कोट्स शिवम, क्लोज। अब ये टास्क हमने किया था तो ये वैल्यू मिली थी। अब जैसे हमने एसटी ऑफ 2 इज इक्वल टू शिवम कर दिया तो अब जब हम इस सारे वैल्यू को देखेंगे तो इस ओम की जगह पे कौन आ गया रहेगा, शिवम आ गया रहेगा। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। ये हमारा था असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट के बाद, और असाइनमेंट का ये टास्क हम सारे के साथ ऐसे ही करेंगे, इसकी भी वैल्यू को चेंज करना है तो फ्लोट ऑफ 2, 0, 1, 2 तो 30.5 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। असाइनमेंट के बाद नेक्स्ट है इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है, और उसके बाद है स्कैनर क्लास। इनपुट स्ट्रीम रीडर को पढ़ने की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, स्कैनर क्लास पे हम डिस्कस करेंगे। स्कैनर क्लास जब पूरी तरह समझ जाएंगे तो उसके बाद हम इनपुट स्ट्रीम रीडर पे 2-4 प्रोग्राम कर लेंगे, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। स्कैनर क्लास, स्कैनर क्लास का यूज तो हमको पता है कि इंटीजर वैल्यू के लिए इन डॉट नेक्स्ट इंट लिखते हैं, डबल के लिए इन डॉट नेक्स्ट डबल लिखते हैं, कैर के लिए इन डॉट नेक्स्ट ब्रैकेट कैर एट 0 लिखते हैं, स्ट्रिंग के लिए इन डॉट नेक्स्ट और इन डॉट नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। तो पहले मान लो इंटीजर में करना है तो हमने ये जैसे ही इनिशियलाइजेशन किया, डिक्लेरेशन किया वेरिएबल का, ऑटोमेटिकली ए वेरिएबल के 5 एलिमेंट बन गए, ठीक है। अब हम हर एलिमेंट पे वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। स्कैनर क्लास से स्टोर करने के लिए हम लिखेंगे ए ऑफ 0 इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। अब ये वैल्यू जो है यूजर देगा, ए ऑफ 1 इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट,
अब ये वैल्यू भी कौन देगा? यूजर देगा। बट अगेन ये सारी चीजें बार बार करना पॉसिबल तो है नहीं, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे स्कैनर क्लास में? हाँ, इसके लिए ये जो इनिशियलाइजेशन है हमको बार बार ना लिखनी पड़े, इसके लिए हम यूज करेंगे लूप। ठीक है, अब लूप का कॉन्सेप्ट इसमें देखो, और एक छोटा सा प्रोग्राम भी करते हैं जिसमें कोई भी पांच वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं और वो पांच वैल्यू प्रिंट करते हैं। नॉर्मली फाइव एलिमेंट्स इनिशियलाइज करेंगे एंड देन एंड प्रिंट करेंगे। ठीक है, स्कैनर क्लास जैसे ही हम यूज करेंगे सारे रूल्स वही रहेंगे जो हम पहले पढ़ रहे थे। क्या? सबसे पहले इट विल स्टार्ट फ्रॉम इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक सेमीकॉलन। एस्ट्रिक की जगह यहां और क्या लिख सकते हैं? एस्ट्रिक की जगह पे हम स्कैनर भी लिख सकते हैं। क्या हमें पता है ये पैकेज है और इस पैकेज के अंदर हमें सिर्फ स्कैनर क्लास यूज करना है। एस्ट्रिक का मतलब है कि इस इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल जो पैकेज है इसके सारे क्लास यूज करने हैं, और एस्ट्रिक की जगह स्कैनर लिख देंगे तो यानी कि सिर्फ स्कैनर क्लास यूज करना है, और बेसिकली हमको स्कैनर क्लास ही यूज करना रहता है। इसके बाद आ जाएंगे पब्लिक क्लास, ये नॉर्मल प्रोग्राम है, इसे हम लिख देते हैं सैंपल सैंपल। इसके बाद आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एआरजीएस देन गोस। आफ्टर दिस अगर स्कैनर क्लास है तो सबसे पहले पैकेज लिखेंगे और उसके बाद स्कैनर क्लास को डिफाइन करेंगे। सो वी विल राइट हियर स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर एंड देन सिस्टम डॉट इन। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट नेम हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इस वेरिएबल में हम क्या करेंगे? फाइव नंबर्स इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, इन ए स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इन फाइव। ठीक है, अब पांच वैल्यूज के अंदर इनिशियलाइज करनी है, हमें कुछ और वेरिएबल भी लेना रिक्वायरमेंट है यहां पे, तो ये जरूरी नहीं है कि एरे का प्रोग्राम है तो सारे वेरिएबल एरे के ही रहेंगे, हम कुछ नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप भी ले सकते हैं इंटीजर के। सो वी विल राइट हियर इंट आई, और अगर रिक्वायरमेंट लगेगी तो हम और ले लेंगे। नाउ आफ्टर दिस एसओपी एलएन फॉर वन एप्रोप्रिएट मैसेज जिसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। फर्स्ट वी विल सी इंटर एनी फाइव नंबर। ठीक है, कोई भी पांच नंबर इंटर करें। आफ्टर दिस वी विल यूज लूप फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन टेन, सॉरी आई इज लेस देन फाइव एंड देन आई प्लस प्लस। और इसके बाद इस फॉर लूप का तो रूल हमें पता ही है, सिंगल स्टेटमेंट अगर परफॉर्म करना है तो कर्ली ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर सिर्फ मल्टीपल स्टेटमेंट रहता तो हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। सो वी विल राइट हियर ए ऑफ आई इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट लिखा ऑटोमेटिकली प्रोग्राम ने क्या किया, एक ए वेरिएबल क्रिएट किया और इसके अंदर पांच ब्लॉक्स बना दिए, एक दो तीन चार पांच, और इनकी इंडेक्सिंग करते जीरो वन टू थ्री एंड फोर। ये हो गया, जैसे ही हमने ये मैसेज लिखा आउटपुट में मैसेज होगा इंटर फाइव नंबर, और ये यूजर जब ये लूप पहली बार चल रहा है तो जीरो इज लेस देन फाइव तो नीचे आ रहा है ए ऑफ जीरो इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इन। तो यूजर जब पहला नंबर डालेगा तो वो ए ऑफ जीरो में स्टोर होगा सपोज 15, इसके बाद ऑटोमेटिकली यहां पर रिटर्न जाएगा और फिर ये वन होगा और वन इज लेस देन फाइव टू होगा, फिर नीचे आएगा और एक बार ए ऑफ वन पे सपोज यूजर ने 18 स्लाइस कर दिया, फिर ये ऊपर जाएगा और इस बार वैल्यू जीरो से वन आई की टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रही है ना, फर्स्ट टाइम इट इज जीरो नाउ इट इज वन एंड देन इट विल बी टू। अब जब टू हुआ तो यूजर ने ए ऑफ टू पे वैल्यू को स्टोर किया मीन्स सपोज 20, फिर आई प्लस प्लस थ्री हुआ
तो यूजर ने इसको सपोज करो 18 इनिशियलाइज कर दिया, फिर i++ 4 हुआ, अब सपोज करो यूजर ने क्या इनिशियलाइज कर दिया 12, ठीक है। जैसे इसकी वैल्यू 5 हुई, 5 इज लेस देन 5, फॉल्स हो गया और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ सी, यहां तक के प्रोग्राम से क्या हुआ है कि हमने 5 एलिमेंट क्रिएट किए हैं पोजीशन एक एरे में और उन पांचों में वैल्यू को स्टोर कर दिया है, बट अभी उस वैल्यू की आउटपुट हमें नहीं दिखी है, आउटपुट में वैल्यू हमें नहीं दिखा है। आउटपुट में उसे शो करने के लिए वी हैव टू ऑप्शन, पहला ये है कि हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए ऑफ 0 रखें, दूसरा ऑप्शन ये है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए ऑफ 1 रखें, तीसरा है ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4 रखें, ठीक है। वो प्रॉब्लम फिर से हेक्टिक हो जाएगा वो प्रोसेस कि फिर हम सारा एसओपी एल एन लिखे 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 5, सॉरी जे की रिक्वायरमेंट हम यहां पे आई से भी काम कर सकते हैं। तो फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, अगर हम चाहते हैं तो यहां पर वेरिएबल चेंज कर सकते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सेम वेरिएबल से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट वही एसओपी एल एन अपना पूरा एसओपी एल एन इन ब्रैकेट ए ऑफ आई और फिर इस कर्ली ब्रैकेट को इस कर्ली ब्रैकेट को दोनों को बंद कर देंगे और यहां पर सेमी कॉमा लगा देंगे। यहां तक का प्रोग्राम क्या किया है कि सारे एलिमेंट्स को स्टोर किया है और ये स्टेटमेंट क्या किया है, सारे एलिमेंट्स को इस फॉर्म में प्रिंट कर दिया है। किस फॉर्म में, सबसे पहले 15, उसके बाद 8, उसके बाद 20, उसके बाद 18 एंड देन 12, ये हमारे आउटपुट का प्रोसेस आ गया है। अब एक बार देख लेते हैं पांच स्ट्रिंग को भी इनिशियलाइज करके, ठीक है। Here, we'll initialize five names of a student. ठीक है, five names of a student. टास्क यहां पर वैसे ही कुछ रहेगा, import java dot util dot asterisk semicolon public class sample 2, इसके बाद public static void main, इसके बाद public static void main string args, इसके बाद scanner in equal to new scanner सिस्टम डॉट इन एंड देन, अब यहां पे मैं स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना है रेखा, तो स्ट्रिंग द नेम ऑफ अवर वेरिएबल इज नेम स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग 5 एंड देन द वन फॉर लूप इंट आई देन नाउ इन एसओपी एल एन सिंपली वी विल राइट इंटर any five name, ठीक है, क्लोज and then for i is equal to 0, i is less than 5 and then i plus plus, फिर यहां पे क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल है और एक एक एलिमेंट का यूज, एक एक स्टेटमेंट का यूज है, तो विदाउट डबल कोट कर्ली ब्रैकेट वी कैन राइट हियर नेम ऑफ i इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट। अब देखो अगर हमने यहां पे स्पेसिफाई किया रहता कि इंटर फाइव नेम इन अ सिंगल वर्ड, तब तो यहां इन डॉट नेक्स्ट लिखते, यहां हमने सिंगल वर्ड की तो बात की नहीं है, तो मे बी किसी का नाम लाइक अमन सिंह, अमन या ऐसे करके दो या तीन वर्ड भी हो, तो उस कंडीशन हम यहां पे लिख देंगे इन डॉट नेक्स्ट लाइन और ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद इन्हीं वैल्यूज को क्या करना है, प्रिंट करना है। सो इन एसओपी एल एन यहां पे हमने डायरेक्ट वैल्यूज को प्रिंट किया था, यहां पे हम एक मैसेज के साथ प्रिंट करेंगे, ठीक है। फाइव नेम्स
आर एज फॉलो, और फिर हम लूप चलाएंगे फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन फाइव एंड देन आई प्लस प्लस आफ्टर दिस एसओपी। और यहां पे हम नेम को क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल वे में प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो एसओपी और एसओपी में एलएल नहीं लगाएंगे, और यहां हम प्रिंट कर देंगे नेम ऑफ आई प्लस स्पेस, या तो हम स्पेस लगा ले या तो हम स्लैश टी लगा ले ताकि वो टेप कैरेक्टर का स्पेस, सेवन और एट कैरेक्टर का स्पेस प्रिंट करे। अब इससे क्या होगा कि हमने जो भी पांच नाम इनिशियलाइज किए होंगे, अमन नमन जो भी पांच नाम थे, वो पांच नाम इस प्रोसेस से क्या हुए हैं, इनिशियलाइज हुए हैं, और इस प्रोसेस से क्या हुए हैं, आउटपुट में प्रिंट हो गए।